Hello everybody and welcome back to my channel. I'm Gujodhi Dhingra and I make videos about food, travel and vlogs. If you like any of those things, consider subscribing. So, पिछले दो वीडियो से I was just making videos about vegetarian food and I was like मुर्गा चाहिए मेरे को. So, बस इतने सारे दिन वेजिटेरियन खाना खाने के बाद में I decided कि यार आज के वीडियो में मैं 24 घंटे के लिए सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाना खाऊंगी. बेसिकली KFC से खाना खाऊंगी एंड वहाँ पर ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन खाना ही मिलता है, वेजिटेरियन खाना ही मिलता है. सो आज के वीडियो में आप मुझे भिन्न भिन्न प्रकार की डिशेज ट्राई करते हुए देखोगे फ्रॉम केंटकी फ्राइड चिकन, दैट इज KFC. सो आई नो मेरा बोलिया बिल्कुल भी ब्लॉग वाला लग नहीं रहा. रीजन इसका ये है कि मैंने ना तो फेस पे मेकअप लगाया ना ही कोम करिया, सीधा मुंह उठाकर ब्लॉग करना शुरू कर दिया एंड आई लुक लाइक दिस ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम एंड आई एम नॉट इवन अपोलोजेटिक अबाउट दैट. तो बेसिकली आपको झेलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा. तो मैं फटाफट जाती हूँ, मेकअप करती हूँ, बाल वाल ठीक करती हूँ और आपको डायरेक्टली ब्रेकफास्ट पे ही मिलती हूँ. हम KFC के स्टोर जाने वाले हैं, मुझे थोड़ा सा बाहर काम भी है तो मैं वो भी निपटा लूंगी. बस वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात मैं बोलना चाहूंगी, अगर आपको फूड ट्रैवल या ब्लॉग से रिलेटेड कोई भी कॉन्टेंट पसंद है मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल इवन बिफोर स्टार्टिंग this video because overconfidence is real. खाना आ चुका है मेरे पास में. ऐसा भी हो सकता है आपको म्यूजिक थोड़ा ज़्यादा तेज सुनाई दे रहा हो क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक बहुत तेज है और कोई कम करने को राजी नहीं हो रहा. तो बेसिकली यहाँ पर मैंने दो चीज़ें ऑर्डर करी है. एक तो है ये वेज जिंगर मील, यहाँ पर एक वेज जिंगर बर्गर है. इसके साथ साथ ये है, ये फ्रेंच फ्राइज है, ये वेज स्टिक्स है एंड दीज आर द हैश ब्राउन और एक ड्रिंक भी आई है यहाँ पर. फादर मैंने एक राइस बोल ऑर्डर करा है जो कि चिकन पॉपकॉर्न वाला राइस बोल. मैं अगर मैं वेजिटेरियन बर्गर की बात कर रहा हूँ तो मैंने KFC आके कभी भी वेजिटेरियन बर्गर नहीं खाया क्योंकि KFC आके वेज बर्गर कौन खाता है. बट मेरे को क्योंकि वेजिटेरियन एलिमेंट थोड़ा दिखाना था वीडियो के अंदर इसलिए मैंने ये वेज मील ऑर्डर करी है. तो इसको बर्गर करते हैं ट्राई एंड लेट्स सी हाउ द टेस्ट इज. मैं भी पहली बार ट्राई कर रही हूँ तो दीज आर द फर्स्ट इम्प्रेशन. पैटी है, इट इज़ बेसिकली मेड ऑफ वेजिटेबल्स. सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से मिलाकर एक टिक्की सी बनाई गई है. उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रंची सा क्रम कोट सॉर्ट ऑफ करा हुआ है. तंदूरी में हुआ है, लेटस है. अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो बिकॉज इट्स वेरी वेरी नाइस. यहाँ पर अब मैं खा रही हूँ वेज स्ट्रिप्स. ये भी मैंने पहले कभी नहीं खाई, उसमें भी खा कर देखती हूँ उसका टेस्ट कैसा है. उसकी पैटी है ना एग्जैक्टली सेम इज वेज स्ट्रिप्स का टेस्ट है. टेस्ट इज प्रीटी नाइस. तो फ्रेंच फ्राइज आर प्रीटी गुड, मतलब एकदम करारे हैं ऐसे आप देख सकते हो, बिल्कुल भी ऐसे मूस नहीं गए बेचारे. दे आर क्रिस्पी एंड दे आर नाइस एंड लास्ट है ये हैश ब्राउन जो कि ब्रेकफास्ट में खाया ही जाता है. कुछ नहीं है हैश ब्राउन ना, बस हमारी आलू की टिक्की है जो विदेश में जाके पड़ के यहाँ पे इंडिया में. सिर्फ नाम इसका हैश ब्राउन, इट्स जस्ट मेड ऑफ पोटेटोज, इट्स वेरी बेसिक. अगर आपने पहले कभी हैश ब्राउन खाया होगा तो आपको पता होगा, बट अच्छा है, बुरा नहीं है खाने. ड्रिंक ट्राई करते हैं. ये भी ना इनका कोई क्रशर है, कौन सा क्रशर है वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी क्योंकि मैं नाम भूल चुकी हूँ. ठीक है देखते हैं. इसमें थोड़ा थोड़ा अनारदाने जैसा टेस्ट आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कफ सिरप जैसा टेस्ट आ रहा है. मतलब मुझे ऑनेस्टली लगता है आपको इसकी बजाय कोल्ड ड्रिंक ये वाला थोड़ा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यहाँ पर खा रही हूँ ये राइस बोल जो कि मैंने चिकन पॉपकॉर्न वाले मंगाए थे. सिर्फ ये एक लौती चीज़ नॉन वेजिटेरियन है इसमें, लेट्स सी. मतलब अगर आपका इंडियन पैलेट है ना, आई फील आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. जो राइस है वो ऐसे में तो थोड़े बेसिक से ही राइस लग रहे हैं लेकिन उसके ऊपर इन्होंने कोई ग्रेवी डाली हुई है एंड ग्रेवी के साथ ऊपर से चिकन पॉपकॉर्न डाले हुए हैं. मुझे ओवरऑल मिक्स करने के बाद में कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. अगर आपको तेज़ मसाले वाली चीज़ें पसंद है तो मे बी आपको ये ना पसंद आए, लेकिन आप थोड़ा सटल चीज़ें खाना पसंद करते हो तो आपको ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. कई लोगों को नहीं भी पसंद आ सकता बिकॉज इट्स नॉट वेरी स्पाइसी, बट कई लोगों को पसंद है. यू कैन गिव इट अ ट्राई. प्रिटी
टायर्ड, लेकिन एक जो वजह है जिसकी वजह से वीडियो में पूरे एंथुजियाज्म के साथ मैं कर रही हूँ वो मेरे सामने आ चुकी है। बेसिकली ब्रेकफास्ट के टाइम पर ही ये दोनों बर्गर मैंने पैक करा लिए थे। एक तो ये नॉर्मल ट्रेडिशनल जिंगर बर्गर जो कि चिकन वाला है, ये वो है KFC का। और KFC ने एक नया बर्गर लॉन्च किया जो पूरे इंस्टाग्राम पर से छाया हुआ था, हर ब्लॉगर इसको शेयर कर रहा था। दिस वॉज तंदूरी चिकन जिंगर बर्गर। और ये सुन के वॉज लाइक डूड आई हैव टू ट्राई दिस। एक ज़रूरी सूचना जो कि मैं वीडियो में देना चाहती हूँ वो ये है कि भाई KFC में केचप फ्री में मिल KFC में केचप फ्री में मिलती है। लाइक डोमिनोज के अंदर दिस इज़ फॉर 1 रुपी, मैकडोनल्ड्स के अंदर दिस इज़ फॉर 1 रुपी, बट द गुड थिंग इज दैट KFC के अंदर दिस इज़ फॉर फ्री। इवन दो आई एम नॉट अ केचप फैन, लेकिन तब भी मुझे वो फ्री में ही चाहिए बिकॉज आई एम चिंदी। तो बस करते हैं सबसे पहले इस जिंगर बर्गर को ट्राई, लेट्स डू इट। वैसे तो मैं 1,00,000 बार पहले खा चुकी हुई हूँ, बट स्टिल फिर से खाते हैं। वैसे तो आई फील कि जितने भी लोग KFC जा चुके हैं वो लोग जिंगर बर्गर खा चुके होंगे, बट जिन्होंने नहीं खाया उनके लिए बेसिकली इसमें एक हॉट एंड क्रिस्पी का पैटी सॉर्ट ऑफ डालते हैं। चिकन का ही पैटी है, मतलब पैटी नहीं बनाया हुआ है, एक्चुअली पीस ही है चिकन का फ्राई करके जिसको डाला जाता है। और इसमें भर भर के मेयो डाली गई है, मतलब यहाँ भी देखो इतनी सारी मेयो है, इसके ऊपर भी देखो इतनी सारी मेयो है, काफ़ी सारी मेयो है। और इसके साथ साथ लेटस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बट द टेस्ट ऑफ द बर्गर इज रियली 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 नाइस। नेक्स्ट चीज जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है ये तंदूरी चिकन बर्गर। तो इसको भी करते हैं ट्राई, लेट्स डू इट। वो पहली बाइट में कुछ समझ सा नहीं आया, आई थिंक आई नीड टू टेक अ सेकंड बाइट फॉर दिस। नॉर्मल जिंगर बर्गर और तंदूरी जिंगर बर्गर में क्या डिफरेंस है, लाइक सोचो। नॉर्मल जिंगर बर्गर में नॉर्मल मेयोनेज है एंड तंदूरी जिंगर बर्गर में तंदूरी मेयोनेज है, इसीलिए उसको तंदूरी जिंगर बर्गर कहा जाता है। दोनों बर्गर एग्जैक्टली सेम है, बस मेयोनेज का डिफरेंस है। मतलब अगर मैं रोटी के ऊपर तंदूरी मेयोनेज लगा दूं तो वो तंदूरी रोटी हो जाएगी। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। तंदूरी जिंगर में मैंने सोचा था शायद तंदूरी चिकन होगा और उसको क्रम कोट करके फ्राई करा होगा या समथिंग, बट यार मतलब आई एम अटली डिसअपॉइंटेड। इवन दो टेस्ट इज प्रीटी गुड, बट ऐसा लॉजिकल नहीं है थोड़ा सा। बट ओवरऑल टेस्ट वाइज आई वुड पर्सनली प्रेफर द तंदूरी वाला बर्गर, इट इज़ वेरी नाइस। और अगर आपको ये नॉन स्पॉन्सर्ड पार्ट पसंद आया है तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते आप? मतलब मैं आपको इतने ऑनेस्ट रिव्यू अपने पैसे खर्च करके दे रही हूँ और आप एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो जो कि फ्री है? आई मीन व्हाट द हेल, जस्ट सब्सक्राइब राइट नाउ। तो बस आप वीडियो को करो सब्सक्राइब। मैं आपको मिलती हूँ शाम को, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ सोने में, बहुत थक चुकी हूँ, थोड़ा सा और खाती हूँ, वैसे मेरे को इच्छा नहीं है बिल्कुल भी खाने की। और फिर मैं आपको मिलूँगी शाम को विद मोर फूड। तो फाइनली मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, क्योंकि सो के मैं उठ गई हूँ और मेरे को इतना फ्रेश फील हो रहा है, फुल ऑफ एनर्जी, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ ब्लॉग करने के लिए। और जो ऑर्डर की बात है ना KFC से, वो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया था और खाना मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो लेट मी शो यू व्हाट आई ऑर्डर। वैसे एक ही चीज़ ऑर्डर करी है मैंने, दिस इज़ अ KFC मिंगल्स बकेट। तो इसमें 3 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक तो यहाँ पर चिकन विंग्स होते हैं, दूसरा यहाँ पर चिकन पॉपकॉर्न होते हैं, और तीसरा होता है यहाँ पर चिकन स्ट्रिप्स। यहाँ पर आई डोंट नो मैं किससे शुरुआत करूँ, आई थिंक मेरे को ये नहीं, मेरे को स्ट्रिप्स से शुरुआत करनी चाहिए, बहुत भूख लग रही है, लेट्स ईट इट। कैन यू फील द क्रंच, सो गुड। जो उसका चिकन स्ट्रिप है वो बेसिकली चिकन ब्रेस्ट से बनाते हैं, बट एज सच ये ड्राई नहीं है, फ्राई होने के बाद भी एकदम जूसी है, बट इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा सीजनिंग डाली हुई, अप्रोप्रिएटली स्पाइस्ड है, ना बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला है ना कुछ, मतलब ठीक ठाक है। सेकेंड चीज़ जो यहाँ पर है वो है चिकन विंग्स। ऑनेस्टली मेरे को इनके चिकन विंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे मैं खाती हूँ फिर आपको बता रही, लेट्स ईट इट। सो अगर चिकन स्ट्रिप्स से मैं चिकन विंग्स को कंपेयर करूँ ना, तो अगर आप विंग्स को ध्यान से देखोगे तो आपको इसके ऊपर एक मसाला नज़र आ रहा होगा, और ये जो मसाला है ना, दैट इज़ द मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन द विंग्स एंड द स्ट्रिप्स का टेस्ट। क्योंकि ये वाले मसाले का टेस्ट ना इज़ वेरी सिमिलर टू पेरी पेरी मसाला एंड मैगी मसाला का जो मिक्सचर होता है ना, बिल्कुल वैसा। और ये फ्राइड चिकन के ऊपर एकदम बॉम्ब लग रहा है, मेरे को इनके विंग्स जेन्युइनली बहुत ज़्यादा पसंद है। फर्दर एक कंप्लेंट जो मेरे को KFC से होती थी ना, वो होती थी कि भाई इनका जो चिकन पॉपकॉर्न होता था ना, वो बड़ा चिन्नू मुन्नू सा होता था, मतलब इतने निक्के निक्के से पॉपकॉर्न देते थे, लेकिन भाई
क्वारंटीन में सिर्फ हमारा साइज नहीं बढ़ा है, तुम देख रहे हो पॉपकॉर्न कितने बड़े हो गए हैं विद टाइम। मेरे को ना ये पॉपकॉर्न देख के बिल्कुल वैसे वाला फीलिंग आ रही है जैसे अंकल आंटी हमको मिलकर शादियों में बोलते नहीं पता ही नहीं चली इतनी छोटी सी हमने देखी थी इतनी बड़ी हो गई, मतलब ये चिन्नू मुन्नू से पॉपकॉर्न एकदम बड़े हो चुके हैं। आई एम रियली हैप्पी कि KFC ने थोड़ा नोटिस करा, इसको भी खाते हैं और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, मसाला वगैरह भी बढ़िया है, एकदम प्रॉपर है, एकदम करा रहे हैं। और पता है इनफैक्ट मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि जो पॉपकॉर्न होते हैं ना वो बेसिकली जो आपका फ्राइड चिकन के पीसेस जो टूट जाते हैं वो उससे बनाता है, तो सोच रहे हो जो चिकन के पीसेस टूट भी जाते हैं KFC वाले उससे भी प्रॉफिट निकाल लेते हैं, इसको कहते हैं दिमाग। तो ओवरऑल अगर मैं इस बकेट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि इट इज़ वैल्यू फॉर मनी। विदाउट टैक्सेस ये 284 रुपीज़ की थी एंड विद टैक्सेस 300 से ऊपर की पड़ गई, लेकिन फिर भी यार तीन चार चीज़ें आपको अगर मिल रही हैं तो आई फील इट इज़ वैल्यू फॉर मनी। और मेरे को तो ये बड़ी ज़्यादा पसंद आई, मैं इसको खाती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ डिनर टाइम पे। ऑर्डर आ चुका है मेरे पास में एज यू कैन सी, और इन दोनों को मिलाकर ना बिगेट कहते हैं। यहाँ पर चार पीस हैं हॉट एंड क्रिस्पी के एज यू कैन सी, और भाई इतने बड़े बड़े पीस हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है कि निक्के निक्के से पीस हों। ये देखो, देख रहे हो मेरा वैसे ऑलमोस्ट मुंह तो नहीं बट मेरा 60% फेस कवर हो रहा है इससे। सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट है KFC में वो ये है जो कि है स्मोकीज़ या जिसको मैं फ्यूरी ग्रिल्स बोलती हूँ, बहुत अच्छा नाम था फ्यूरी ग्रिल्स, नहीं चेंज करना चाहिए था इनको, बट नाउ अब कर दिया है चेंज तो क्या कर सकते हैं। अब प्लेट मैंने लिया है और प्लेट में डालते हैं इसको। प्लेट मैंने अपनी पूरी की पूरी भर ली है, यहाँ पर मेरे स्मोकीज़ वाला चिकन है, यहाँ पर हॉट एंड क्रिस्पी है एंड दिस इज़ द डिप। इसको लेट्स ईट इट। मैंने इतने टाइम बाद हॉट एंड क्रिस्पी खाया और मैं सच बता रही हूँ मेरी ना ऐसे आत्मा तृप्त हो गई ये खा के। इट इज़ सो 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 गुड, इतना सॉफ्ट है ये अंदर से, इतना सॉफ्ट है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है लाइक देख रहे हो आप, और बाहर की जो इसकी कोटिंग है इट्स सो डैम क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट। पता है इन्होंने ब्राइन करा हुआ है चिकन को, तो ब्राइन करने से क्या होता है चिकन फ्राई करने के बाद भी ना ड्राई नहीं होता, एंड आई लव्ड इट। क्वालिटी ऑफ चिकन इज अमेजिंग, टेस्ट इज अमेजिंग। बट अब हम ट्राई करने वाले हैं मेरा फेवरेट, ये वाला चिकन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्मोकीज फियरी ग्रिल्स व्हाटएवर इट इज, लेट्स ईट इट। इसके साथ में कोई डिप विप लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही बहुत बढ़िया स्पाइस होता है, लेट्स ईट इट। अगर धरती पर मेरी जन्नत है ना तो वो इस प्लेट के ऊपर और कहीं नहीं है। पता है जब मैंने हॉट एंड क्रिस्पी खाया ना तो मेरे से फिर भी सबर हो गया कि ठीक है यार टेस्ट बता दिया, लेकिन जैसे ही मैंने स्मोकीज़ खाया मुझसे बिल्कुल सबर नहीं हुआ। मैं दो लेग पीस खा चुकी हूँ, इन बेचारों के ऐसे कंकाल रह गए हैं सिर्फ, बाकी लेग पीस ख़त्म हो गए हैं। इट इज़ सो 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 गुड। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है आपको ये 100% पसंद आएगा, और अगर आपको स्पाइसी खाना बिल्कुल नहीं पसंद और आप स्पाइसी खा ही नहीं सकते आपके बस की नहीं है तो मत खाना, बिकॉज इट इज़ स्लाइटली ऑन द स्पाइसी साइड एंड आई पर्सनली लव स्पाइसी फूड, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसको खाती हूँ थोड़ा और क्योंकि ना मेरा ऐसा पेट भर गया लेकिन नियत नहीं भरी है, बस मैं इसको खाती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ इसको खाने के बाद में। That was a video from my side. I usually end my videos on a sweet note. हमेशा डिजर्ट खा के ही एंड करती हूँ मैं वीडियो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि KFC किसी भी तरह का आइसक्रीम किसी भी तरह का शेक कुछ भी डिलीवर नहीं करता, और बाहर जाने की मेरी कतई हिम्मत नहीं थी रात को क्योंकि दिल्ली में थोड़ी थोड़ी ठंड आ गई है, लाइक एकदम कंबल में रजाई में मस्त घुस के बैठो क्योंकि कोरोना के साथ साथ दिल्ली के अंदर कुछ ज्योति ढींगरा का आलस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। इसलिए आई थॉट कि वीडियो यहीं पे खत्म कर देते हैं। ओवरऑल आई रियली एंजॉयड दिस चैलेंज, मैं तो उसको चैलेंज भी नहीं बोलूँगी, मैं उसको बोलूँगी इन्जॉयमेंट, मतलब काफ़ी प्रिविलेज फील हो रहा है कि मेरे को ऐसे चैलेंजेस करने को मिल रहे हैं। आई रियली रियली लाइक दिस चैलेंज। अगर आपके दिमाग में और कोई चैलेंज है जो आप चाहते हो कि मैं करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताना, और इसके साथ अगर आपके पास में किसी भी तरह का और सजेशन है या किसी भी तरह का फीडबैक है वो भी मुझे ज़रूर देना। फर्दर अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। दिस इज कुलज्योति ढींगरा साइनिंग ऑफ टू कम अप विद मोर फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड कॉन्टेंट इन फ्यूचर। बाय बाय।